तमाम हज़रात को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं अंजुमन एशात-ए-क़ुरान की जानिब से बनाई गई कमेटी की इस दूसरी नशिस्त में आप तमाम हज़रात को शामिल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम हज़रात की इज़्ज़त में है कि मस्जिद रहमानिया अखबार अकेडमी सोसाइटी में उस्ताद मोहतरम शेख लतीफ़ तफ़सीर जनाब मौलाना फरीद अहमद भटानी साहब के ज़ेर सरपरस्ती दरस क़ुरान का स्पेशल प्रोग्राम यकम रजब मौक़ा 8 अप्रैल 2016 से आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें ख़वातीन हज़रात की एक बड़ी तादाद बिना नागा इस प्रोग्राम को तकबीर देने का बाइस है और इसके साथ साथ तमाम दरूस को रिकॉर्ड करने का सिलसिला बतदरीज जारी है। इशात-ए-क़ुरान की जानिब से जारी करता वेबसाइट पर अभी तक हम 167 प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसका कुल दौरानिया तकरीबन 153 घंटे या मुसलसल 6 दिन है। इसी तरह यकम रजब से अब तक हम सूरह अल-फातिहा से सूरह अनफाल तक 33 प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसका कुल दौरानिया तकरीबन 44 घंटे या मुसलसल 2 दिन बनता है। या ये बात इनता ही खुश आइंदा है कि अभी तक तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद हमारे इन प्रोग्राम्स को नेट पर देख चुके हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान अभी तक मुख्तलिफ अमूर पर काम किया जा चुका है, जिसमें नंबर एक श्रोता के फॉर्म्स हासिल करके मुकम्मल पाइप के साथ लिस्टें तरतीब दे दी गई हैं, जिनको उस्ताद मोहतरम को फराहम भी कर दी गई है। नंबर दो, हाजिरी की कापियाँ तमाम श्रोता में तकसीम की जा चुकी हैं, जिनको 27 रमजान मुबारक से एक हफ्ता कबल वापस ले लिया जाएगा। नंबर तीन, दो हफ्ते पहले इशात-ए-क़ुरान के हवाले से जंग अखबार में हमने एक इश्तहार भी दे दिया है। नंबर चार, प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करते हुए बाज़ दफ़ा कुछ देर हो जाती थी, लेकिन अब गुज़िश्ता एक माह से तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स बवक्त रिकॉर्ड हो रहे हैं। नंबर पाँच, दर्स में नए और पुराने आने वाले शुरुआत से वक्त फ़ौरतन मुलाकात की जाती है और दर्स के मुताबिक उनकी मफीद आराम नोट की जाती है, जबकि गैर हाजिर अफराद से भी रबता किया जा रहा है। और नंबर छः, यह है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से 200 कैलेंडर हमने तैयार करवा लिए हैं, जो उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से जल्द तकसीम कर दिए जाएंगे। आज की इस नशिस्त के एजेंडे में चंद अहम मामलात ज़ेर गौर हैं, जिनको आप हज़रात की मुशावरत से पाए तकमील पहुँचाया जाएगा। इन तमाम मामलात का ताल्लुक 27 रमजान मुबारक में तकमील कुरान के हवाले से किए जाने वाले प्रोग्राम के मुताबिक है, जिसमें नंबर एक, शुरका की दस्तारबंदी, नंबर दो, सलत की तैयारी, नंबर तीन, शुरका को शील्ड की तकसीम, नंबर चार, शुरका को कुरान मजीद की तकसीम, और नंबर पाँच, इफ्तारी और खाने का इंतजाम शामिल होगा। तो इस हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर फिर आप अपनी अपनी राह दे दें कि इसमें हम कितना काम करेंगे। ये सरद जो है ना, वो हम इस तरह की तैयार करवाना चाह रहे हैं, खास तौर आप यहाँ से देखें, इस तरह हम देखें कि इस समय ये देखें, ये हमने ना शादी के चार